हाय ऑल, दिस इज कार्तिकेय मालविया उर्फ चंद्रगुप्त मौर्य और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य की कुछ स्वीट मेमोरीज, कुछ बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस। सो हम स्टार्ट करते हैं कि शो कितना डिफिकल्ट था मेरे लिए। डिफिकल्ट इस वे में था बिकॉज बहुत ही गर्मी रहती थी और हम लोग का मोस्टली आउटडोर शूट रहता था, तो हमें ऐसी ऐसी जगह लोकेशन पे शूट किया है जहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है और हमारा मई और अप्रैल का मंथ चल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो ऐसी जगह पे शूट किया और वहीं पे जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी तो उसमें हमने स्विमिंग पूल में शूट किया है। तो यही है कि मैंने शो को एंजॉय भी कैसे किया। तो बेसिकली जब मैं शनि में था तो मैं हमेशा मेकर्स को कहता था कि इसमें बस डायलॉग्स ही तो बोलने, एक्सप्रेशन से ही करना है। और जब भी शनि में कोई हार्डनेस का सीक्वेंसेस आते तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था, तो वो देख के फिर मुझे ये शो ऑफर किया गया और मैं उस टाइम पे मुझसे ज़्यादा खुश इंसान और कोई भी नहीं था, बिकॉज मुझे वो सब करने मिला जिसके लिए मैं ढूंढ रहा था कि मुझे दो। तो मैंने चंद्रगुप्त मौर्य में हार्नेस किया है, मैंने फाइट सीक्वेंसेस किए हैं, मैंने हॉर्स राइडिंग किया है, मैंने स्विमिंग किया है। एंड अगर मैं बात करूँ कि मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो सबसे फेवरेट चैप्टर मेरा वो था जब हमें धनानंद से उसका धन चुराना होता है जिससे वो छुपा के रखता है। तो वो जो सीक्वेंस था, पूरा जो चैप्टर था चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसमें रिडल्स थी बहुत सारी, पहेलियाँ थी जिन्हें सॉल्व करते करते, कैसे चाणक्य सॉल्व करता है, चंद्रगुप्त मौर्य सॉल्व करते हैं मिलके उसके दोस्त, और कैसे हम धनानंद के धन को उसके नाक के नीचे से लेके जाते हैं, तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यू नो इंसाइटफुल चैप्टर था मेरे लिए चंद्रगुप्त मौर्य में। तो अगर अब मैं बात करूँ कि कैसे हम लोग एक फैमिली की तरह रहे सेट पे, क्योंकि हमने एक साल ऐसे निकाला है एक दूसरे के साथ, तो बात करते हैं मैं हमारे दोस्तों की। जो मेरे दोस्त थे सूलभद्र, इंद्रजालिक और धूमकेतु, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते थे सेट पे, क्योंकि सीक्वेंसेस भी वैसे रहते थे, चोरी करना है, एक दूसरे को कुछ कर दिया, एक दूसरे पे एक को फंसा दिया, तीनों हंस रहे हैं या दूसरे को फंसा दिया तो बाकी तीन हंस रहे हैं। एंड बात करूँ तरुण सर की, जो हमारे चाणक्य थे, उनसे रोज़ ही मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी, क्योंकि रोज़ हमारे जो भी सीन्स होते थे तो उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते थे। और सौरभ सर की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मुझे प्यार किया है पूरे शो में, बिकॉज जैसा उनका कैरेक्टर था एज धनानंद, उसके बिल्कुल ऑपोजिट थे वो मेरे साथ ऑफ स्क्रीन। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे क्रू के साथ कैसा था, तो यस ऑफ कोर्स अमोल सर जो कि हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर थे शो के, उनसे मुझे कितना कुछ सीखने को मिला मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने शनि से वो मेरे साथ हैं और चंद्रगुप्त मौर्य में भी जो आपको मैं दिखाऊँ वो उन्हीं की वजह से देखने को मिला है। सो थैंक यू सो मच अमोल सर। सो रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू वॉच द न्यू चैप्टर ऑफ स्वास्तिक प्रोडक्शंस इन द फॉर्म ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य।